बिल्कुल अलग अलग स्टाइल में अभी फोटोशूट हुआ है और इस बार हमारी टीम गोवा किलर्स है और हम इतना किलिंग्स कर रहे हैं, सबको खत्म कर दिया है एक्चुअली। हम लोग गट टुगेदर पूरा हो रहा है, सारे जितने भी सेलिब्रिटीज है, टीवी के स्टार्स है, सब लोग मिल रहे हैं और अलग अलग टीम्स बना के ना, यू नो ये बहुत अच्छा आइडिया है एकता जी का कि BCL यू नो, और ये सब सेलिब्रिटीज मिलते हैं। वैसे तो इतना मिलना जुलना होता नहीं, बट एज अ क्रिकेट अपने अपने शूटिंग सब बिजी रहते हैं कि तो कोई यहाँ पर है वहाँ हाँ। पर है, तो जब किसी के शूट पर अगर जाते भी हैं तो किसी को मिल नहीं पाते। ये एक अच्छा मौका है हम लोग के लिए एक दूसरे को मिलने के लिए, एक दूसरे के साथ वक्त बिताने के लिए, थोड़ा सा झगड़ा बहुत मजा आता है, बहुत लड़ते हैं, लड़ाई मजाक उड़ाना, प्यार प्यार हो, बहुत 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 मजा आ रहा है। और हम लोग की टीम जो गोवा किलर्स है वो बहुत अच्छा प्ले कर रही है और डेफिनेटली हम लोग ही जीतने वाले हैं। युवराज सिंह, युवराज, धोनी, विराट, ये तीनों तो इज द मोस्ट फेवरेट, वो फील्डर में नहीं गिना जाते क्योंकि वो विकेट कीपर है। मैं तो सबके विराट, बज्जी, धोनी, इन सबके नाम लेना चाहूंगी, तभी ये लोग सिलेक्टेड है, तभी तो इंडियन टीम में है ना, दे आर ऑल सिलेक्टेड। हिंदुस्तान में से इतना सिलेक्शन, उन कितने लड़कों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन दे आर प्रॉपर सिलेक्टेड, इसलिए वो इंडिया के लिए प्ले कर रहे हैं और एक 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 कोहिनूर हीरा है, यू नो। हाँ, एम्पायर का आज ही तलाक हुआ है, आज ही हमें खबर मिली कि आज आज ही उनका एम्पायर का डाइवोर्स हुआ है, क्योंकि एम्पायर है ना वन साइड ही बोलते थे वो, जो हमारे ऑपोजिट हमेशा हमारे खिलाफ, हमारे खिलाफ हमेशा बहुत चीटिंग। मैंने कहा कि मतलब कहा कि अब तो तुम गए एम्पायर, तुम बस डिवोर्स करवा के रहोगे, जब तुम हमें जिता नहीं सकते, हमें नो बॉल नहीं दे सकते, मतलब बार बार विकेट दे रहे, आउट है, नो बॉल, ये यू नो, तो मैंने कहा अब तुम गए। और ये मैं आपको भी बताना नहीं चाह रही हूँ, आप लोग मैच देखिए तो पता चलेगा, ये जो मैडनेस हुआ है, आप इस मैडनेस को पूरा पागलपंती, बिल्कुल टर्कीपंती एंजॉय करने के लिए आपको हमारी मैचेस देखनी पड़ेंगी, वो भी एमटीवी पर। एमटीवी पर बहुत मजा आने वाला है ये इस BCL में। वाओ, शी लुक्स, प्रिया वारियर, शी लुक्स सो ब्यूटीफुल, आई थिंक शी साउथ की एक्ट्रेस है वो, स्पेशली उसकी वो जो आंख वाली जो है, वेरी वाओ, लॉन्ग वे टू गो फॉर हर, किसी को भी क्लीन बोल्ड कर सकती है उसकी आईज। थैंक यू सो मच। विजुअल विराट का है, तुम करो। थैंक यू। यार, हमारी टीम के लिए अच्छा हर चीज़, और स्ट्रैटेजी हमारी हमेशा से ही जीतने की रही है और जीतने की कोशिश करते रहेंगे, और हार और जीत तो चलती रहती है, गेम है, एक टीम जीतेगी एक टीम हारेगी। सही है, बाकी हमारे ओनर साहब। राखी सावंत, ऐसे तो शी इज़ अ गुड प्लेयर एंड प्लस शी इज़ अ एंटरटेनमेंट पर्सन हु ऑलवेज कीप्स एवरीबॉडी हैप्पी एंड यू वुड हैव सीन इन एवरी match, she was the main person where the whole event was really, people were enjoying it. And also yesterday Rakhi ne kafi masti kiya empire ke saath, usko leke aapne kuch samjhaya? Nahi, aisa kuch ye nahi that I had to advise her ya samjhana tha, but she is already matured. हमारी टीम पूरी बेस्ट है यार, हम सब अच्छा खेलने की कोशिश करते हैं, और कोई ऐसा बेस्ट और वर्स्ट नहीं है,
बेस्ट की टीम बनती है हमेशा, तो एक बेस्ट निकालना सही बात नहीं है, सारे बेस्ट है इसलिए टीम में। आज जिससे खेल रहे हैं वो भी अच्छी टीम है, वो हमारे फ्रेंड की है, इनके फ्रेंड की है, नितिन मिश्रा जी, लखनऊ नवाब। तो इन इंडियन क्रिकेट टीम हु इज योर फेवरेट? सबका फेवरेट विराट कोहली है आज की डेट में, तो विराट कोहली सचिन के बाद। ओके, इफ यू टॉक अबाउट द प्लेयर्स, हु इज द विराट एंड अनुष्का इन योर टीम? विराट एंड अनुष्का? अनुष्का टीम में थोड़ी होगी, जस्ट एज अ कपल टाइप ऑफ समथिंग। योर टीम? मैं अपना ही नाम ले लेता हूं, किसी और का क्यों लूंगा। मैं विराट हूँ, मेरी अनुष्का कहीं और है, ढूंढ रहा हूँ उसे। जी थैंक यू। सबसे पहले तो आपकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, क्या स्ट्रेटजीज होती है जब मैदान में उतरते हैं? आर यू श्योर हमारी टीम बहुत अच्छा खेल रही है? हम तीनों मैच हार चुके हैं। अभी जो है मैच होने वाला है, आज हाँ मैच है, क्या कहना चाहेंगे? आज होपफुली हम जीत जाए, यही प्रे कर रहे हैं। पर हमारी टीम मोस्ट एंटरटेनिंग टीम है पूरे BCL की, मुझे लगता है सबसे हाईएस्ट TRP हमारी टीम ही देगी। एग्जैक्टली और प्लेयर्स तो पता नहीं, पर एंटरटेनर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं हमारे पास, बट फिर भी हम बहुत अच्छे रन लेते हैं। हर मैच में हमने 100 से ऊपर ही रन बनाए हैं, 100 से ऊपर बनाए हैं, इतनी कमजोर भी नहीं है बेचारी, पर वही बात है, जिसकी गाड़ी रेत में उल्लू उसका नाम। तो आज जो है फोटोशूट होने वाला है, कितना एक्साइटेड है और क्या कुछ होने वाला है, थोड़ा सा अगर हमारी ऑडियंस को बताना। फोटोशूट ये तो अभी हमें आपसे ही पता चल रहा है, पर अगर होने वाला है तो ऑब्वियसली फोटोशूट तो हमेशा एक्साइटिंग ही होता है, सो लेट्स सी क्या होने वाला है फोटोशूट में। और आप दोनों का इंडियन क्रिकेट टीम में से कौन सा ऐसा फील्डर है जो आपका दोनों का फेवरेट है? फील्डर? फील्डर तो पता नहीं, पर प्लेयर तो विराट कोहली। सेम, विराट कोहली ऑलवेज। और ऐसा भी कहा जाता है कि आप दोनों को विराट और अनुष्का से कंपेयर किया जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे एज अ कपल? देखो शायद इस टाइम के हम मोस्ट ट्रेंडिंग कपल हम ही हैं, तो डेफिनेटली कंपैरिजन तो होता ही है। विराट एंड अनुष्का इज़ वन ऑफ द बेस्ट कपल, जो कि मुझे बहुत पसंद है आज तक के, जिनकी अभी रिसेंटली शादी भी हुई है। बहुत रेयर कपल्स होते हैं ऐसे जिनकी इतनी जल्दी रिलेशन के बाद शादी भी होती है, सो आई लव देम। और अगर हमें उनसे कंपेयर कर रहे हैं, सो आई थिंक लाइक इट, या नथिंग लाइक इट। आई नो, किस्मत है उनकी, किस्मत है, चल रही है। मैंने देखा है वो क्लिप जो कोई महान चीज तो बड़ी है नहीं, आंख मार दूं, मैं भी मार सकता हूं, आंख मारने में क्या है, आप भी मार सकते हो। आई चैलेंज जो उनका सीन था क्या था वो, मैंने उस पे इतना तवज्जो नहीं दिया, इन्होंने तो देखी नहीं है वो वीडियो, आई थिंक एक आंख मार के ऐसे ही किया था। तो पर इसमें क्या हुआ, उन्होंने एक मार्क मारी है, मैंने बिग बॉस के घर में 500 आंखें मारी हैं, वो तो कुछ हुआ नहीं। बट आई थिंक उनकी किस्मत है अच्छी, जो एकदम से वायरल हो गई है वो बहुत अच्छा है उनके लिए, उनके करियर के लिए, बिकॉज आई थिंक 2 मिलियन से सीधा 4 मिलियन या 3.8 मिलियन तक पहुंच गए उनका इंस्टाग्राम। आई होप वो इसको मेंटेन कर पाए या और आगे जाए। एक्ट्रेस तो वो पहले से थी आई थिंक, बट एकदम से अभी वायरल हुई है तो बहुत ज्यादा नोन हो चुकी है, सो इट्स गुड फॉर हर। हम इतने बड़े एंटरटेनर हैं कि हम एंटरटेनमेंट में ही सब कुछ भूल जाते हैं, हम तो भूल ही जाते हैं कि यहाँ क्रिकेट भी चल रहा है। तो मस्ती मजाक, राखी हमारे टीम के हारने का कारण है सबसे बड़ा। हाँ। राखी इतने मजे करवाती है कि हम सब भूल जाते हैं, वो दूसरों के छक्कों पे जाके डांस करती है। हाँ। हाँ। तो बस ये हमारी टीम का ध्यान ही चला जाता है उधर। राखी ने जो अंपायर के साथ काफी फ्लर्ट किया लास्ट टाइम, क्या कहना चाहेंगे? आप खड़े हो जाओ, राखी आपके साथ फ्लर्ट कर लेंगे, अंपायर क्या चीज है। तो राखी और फ्लर्ट ये तो दोनों साथ साथ चलते हैं, और एंटरटेनर है, जैसे भी उनको लगता है कि ऐसे एंटरटेनमेंट हो जाएगी तो वो ऐसे कर लेती है। एंड शी इज वेरी गुड एट इट, या बहुत अच्छी है अपने काम में, हमें बहुत पसंद है वो। और हम बहुत खुश है कि हमारी टीम में है, चलो जीत नहीं रहे तो कम से कम एंटरटेनमेंट तो हो रही है, वो हमें एक सेकंड के लिए भी बोर नहीं होने देती, शी इज सो एंटरटेनिंग। चीयर्स, थैंक यू, थैंक्स। Okay, bye. See you guys. आज फोटोशूट है तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप?
दिस इज अ पार्ट ऑफ BCL एंड जैसे कि हमने BCL एंजॉय किया वैसे ही फोटोशूट भी एंजॉय करेंगे एंड इट्स अ डिफरेंट एक्सपीरियंस और मेरा तो पहला सीजन है तो डेफिनेटली आई एम गोना एंजॉय इट सेम मेरा भी पहला एक्सपीरियंस है और BCL खेल के मजा आ रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है काफ़ी कुछ मतलब मुझे तो इसकी बिल्कुल नॉलेज ही नहीं थी और खेलने को इतना नहीं मिला बट देख देख कर ही सीखने को काफ़ी कुछ मिला और फोटोशूट भी एंजॉय करेंगे स्ट्रैटेजी इज टू The first thing is to enjoy the game and then of course winning is very important. But then har ek team ke sath strategy change ho jati hai because har team ki ek form alag hai combination alag hai aur actually ground mein jaakar aapko kuch na kuch hum soch ke kuch aate hain soch ke aur hota kuch hai exactly thoda changes to karna hi padta hai Goa Killers ne isliye match nahi jeeta hai because ek to pehle unka sabse pehla season hai दूसरा एवरी प्लेयर इज गेटिंग अ हैंग ऑफ इट बिकॉज उन्होंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया लाइक 80% ऑफ द प्लेयर्स आर न्यू टू द टीम एंड द टीम इज न्यू फर्स्ट टाइम एंट्री करी है बट एज अ फर्स्ट टाइम अच्छी टीम्स के साथ हर मैच में 100+ स्कोर किया है तो आई थिंक इट्स अ नाइस गुड साइन फॉर द नेक्स्ट सीजन विच इज कमिंग अप बिकॉज हर एक टीम टाइम के साथ बनती है आते ही नहीं बन जाती है मतलब हमने हर मैच में टफ कॉम्पिटिशन को दिया ही है हर टीम को सो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट है और जैसे मैंने कहा कि हमें सीखने को बहुत कुछ मिला सो ये जो एक्सपीरियंस है इसको हम नेक्स्ट सीजन में लेकर जाएंगे और कुछ अच्छा ही करके आएंगे हाँ एंटरटेनिंग तो है ही मतलब हमारे पास हर तरफ से हाँ राखी सावंत है हमारे पास और वो 11 के बराबर है जैसे आपने देखे हमें कुछ राखी राखी करते थे एग्जैक्टली तो वो शी टेक्स द चार्ज और एंटरटेनमेंट का पैकेज है वो पूरा मसाला तो वो देती है पूरा मसाला जी अर्शी को हरा दिया हैं अर्शी जी बड़ी उनको हरा दिया वो मतलब वो राखी की स्ट्रैटेजी है गेम जीतने की वो राखी उस तरीके से गेम जीतना चाहती है कि अंपायर को अपने कंट्रोल में रखे उनका अलग तरीका है जीतने का गेम और उसमें वो सक्सेसफुल भी हो जाती है थैंक यू हमारी टीम बेस्ट है गोवा खेलर गोवा एंटरटेनर्स होना चाहिए था इसका नाम फोटो शूट के बारे में वेल अच्छा हो रहा है और काफ़ी मज़ेदार लग रहा है तो इसके बाद फोटो शूट करेंगे मेन रीज़न है एक्चुअली जो टीम बनी है वो टूर्नामेंट से पहले 7 दिन बनी है सो सोनी जी जस्ट बॉट द टीम आई थिंक 7-8 डेज बिफोर सो उसके बाद प्लेयर्स आए तो क्या होता है वो टीम कॉम्बिनेशन वो वगैरह तो हमने फर्स्ट टाइम सबको जाना ऑन द फील्ड तो उस चक्कर में थोड़ा बहुत ये रहा बट इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर वी रॉक इट वो सब जाता है वो जितना भी क्रेडिट जाता है वो मिस्टर सोनी को जिन्होंने वो लोग पिक किए कि ये एंटरटेनिंग और वो खुद भी बहुत एंटरटेनिंग है सोनी जी बोलिए अर्शी हमारे टीम में नहीं है अपनी टीम में राखी सावंत है वो एक्चुअली कल हमारा वो एंटरटेनमेंट देखकर है उसने ये कर और दिया दिनचक पूजा है स्विच कर दिया तो हमने यही सोचा कि दूसरी टीमों में इतने मतलब बिकॉज क्रिकेट प्लस एंटरटेनमेंट दोनों एक साथ जाता है तो ये लोग जो भी है तो हर एक को एंटरटेनमेंट भी कर रहे हैं हारना या जीतना दैट इज अ पार्ट ऑफ लाइफ स्ट्रैटेजी यही होती है कि बॉल देखो और मार दो और अपनी टीम को बेस्ट स्कोर दे दे वही होता है कि बिकॉज मारी जी एज ए फैमिली तो बहुत कोशिश रहती है कि टीम अच्छा करे और बस यही होता है कि बस अपनी टीम अच्छा करे और ऑल द प्लेयर्स आर बेस्ट एंड दे आर डूइंग द बेस्ट बिकॉज हमने जैसे बताया कि 8 दिन पहले ही ये टीम हमने खरीदी है तो मैं आलिन कपूर और विकास जैन जो बाद में दे बिकम अ पार्टनर विद अस किलर्स सो instead of Goa Shark then we change the name to Goa Killer see maine jitni bhi team jaise maine Chennai ke sath humne khela Delhi ke sath